नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका केपीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए चलते हैं इस वक्त की एक खास खबर की ओर। प्रयागराज शंकरगढ़ ब्लॉक के सतपुरा प्रधान प्रदीप कुमार ने मीडिया के सामने जानकारी देते हुए कहा कि हमारे गांव में स्वच्छ भारत के तहत नाली की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है एवं मध्य प्रदेश के सीमा से सटे होने के कारण यहां आवारा पशुओं की संख्या बहुत अधिक है, जिससे किसानों की फसलों का बहुत नुकसान होता है। इसके बाद सांसद रीता बहुगुणा जोशी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी दीर्घायु होने की कामना की एवं कहा कि हम लोगों को उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, जिससे हम लोग विकास की ओर अग्रसर हो सके। उसके बाद उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है कि सबका साथ सबका विकास के आधार पर ही मैं प्रयास करूंगा कि हमारे गांव के प्रत्येक गली नाली साफ एवं स्वच्छ हो, जिससे हमारा गाँव एक निर्मल गाँव की भांति चमकता रहे। हाँ जी, क्या आप मीडिया के सामने जानकारी देना चाहेंगे कि गाँव के विकास के लिए क्या कार्य आप करना चाहते? गांव के विकास के लिए हमारे गांव में स्वच्छ भारत के तहत सबसे पहले नाली की व्यवस्था सबसे ऊँची अनिवार्य है, क्योंकि सड़कों में गंदगी और पानी भरा रहता है। और साथ ही साथ हमारा गांव एमपी की सीमा से लगा हुआ है, तो आवारा जानवरों की व्यवस्था के लिए आपके माध्यम से हम अधिकारियों तक सूचना देना चाहेंगे कि हमारे गाँव की जो व्यवस्था है आवारा पशुओं से कुछ उचित व्यवस्था की जाए। और माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी का आज गंगा पार, हमारे इस यमुना पार प्रयागराज की सांसद हैं, हम लोगों की सांसद हैं, तो उनका जन्मदिन है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। वो दीर्घायु हों, उनका मंगल हो और हम लोगों का मार्गदर्शन करती रहें, तथा आपके ये हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बाबा की एक मनोकामना है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसको हम कायम रखें। और उनका जो सपना है गांव में हर गली में स्वच्छ हो, सबका विकास हो, सबको घर मिले, सबको आवास मिले, तो इसी के साथ हम उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। प्रदीप कुमार मिश्रा, ग्राम प्रधान सतपुरा।